यही तय हुआ कि जो सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए नए स्थापित हो रहे हैं, और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं वहां के जो लोग हैं उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, उनके बसाहट तक रोड बने, उनका पक्का का घर बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, मतलब सुरक्षा कैंप स्थापित होने का ये मतलब है। लेकिन शायद नक्सलियों को ये भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों के पास सरकार की ये सब सुख सुविधाएं पहुंचे और इस तरह से सुरक्षा कैंप का लोग विरोध करते हैं, लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं है और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पिछली सरकार गंभीरता से नक्सलवाद के साथ लड़ाई नहीं लड़ी और इसी का परिणाम है कि आज इनका हौसला बुलंद हुआ है। गृहमंत्री जी कहते हैं हम टेलीफोन से बात करेंगे नक्सलियों से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे, लेकिन ये है कि 5 साल तक के हमारी सरकार रही है, शासनकाल में हमारे शासनकाल में जवानों की शहादत हुई लेकिन कैंप में हमला नहीं हुआ था। हमने नक्सलियों के गढ़ में जाकर हमारे जवानों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन जैसे आई वैसे ही कैंपों में हमला होना शुरू हो गया। मैं वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।